मैं अक्सर देखता हूं कि जब किसी भी जगह जाता हूं या यहां आता हूं खुतबा के लिए, तो आप सब साथी खड़े हो जाते हैं। एक दो मर्तबा ऐसे हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किबार को हुक्म दिया कि फुलाना आ रहा है, चलो उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। मसलन ये जो यहूदियों की बिरादरी थी बनू कुरैज़ा, उनके साथ वो चल रहा था मसला, तो बात यहां तक पहुंची कि तुम किसी को अपना जज मान लो। उन्होंने कहा कि हम हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु को अपना हकम मानते हैं, जो फैसला ये करेंगे हमें मंजूर होगा। हजरत साद गधे पर हिमार पर सवार होकर सरकार की बारगाह में आए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहां फरमाया उमू इला सय्यदकुम, चलो तुम्हारा सरदार आ रहा है उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। यानी कभी कभी सरकार ताजीम के लिए खड़े होने का हुक्म भी देते थे, और खुद जब हजरत सय्यदा फातिमा जहरा रदियल्लाहु अन्हा सरकार के पास आती तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उनको आते देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते, और जो सरकार की मसनद होती बैठने की जगह उनको सरकार वहां बिठाते। और जब सरकार कभी हजरत फातिमा के घर जाते तो हजरत फातिमा जहरा नबी करीम अलैहिस्सलाम को आते देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती और आगे बढ़कर सरकार के हाथों को बोसा भी देती। तो इन हदीसों से पता चला कि कभी कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ताजीमन खड़े होने पर खुद भी अमल किया और उम्मत को भी दर्श दिया कि कभी कभी किसी के लिए खड़े हो जाया करो। लेकिन अगर कोई बंदा ये चाहे कि मैं जब आऊं तो मेरी ताजीम के लिए लोग खड़े हो जाए, तो ये है तकब्बुर। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा ये चाहे कि मैं आऊं और मेरे इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हो जाए,
तो वो बंदा अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर तलाश करे, वो जहन्नम में जाएगा। कभी मैं तो रोकता रहता हूं कि मत खड़े हुआ करो, लेकिन ये जो हमारी सुन्नी कौम है, इनके जो बड़े हैं, सादात है, बड़े हैं, उबरा है, वो तो यही चाहते हैं कि हमारा इस्तकबाल हो, हम आए तो लोग खड़े हो जाए, और जो खड़ा नहीं होता उसको फिरौन पता नहीं क्या क्या समझते हैं। हमारे अपने बुजुर्गों का तरीका यही था कि वो नाराज होते थे कि कोई उनकी आमद पर खड़ा हो। मसलन हमारे दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरबियत का अंदाज ये था कि जब जमात खड़ी होने वाली होती तो आप अंदर से तशरीफ लाते, लेकिन किसी संगी के अंदर इतनी जुरत नहीं थी कि वो खड़े होकर आपका इस्तकबाल करें, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। कोई कहता ना आनकर तो फरमाते थे असा की थे अपनी फिक्र लगी है, अल्लाह असा ना खात्मा ईमान दे फरमाए, ये बहु डाढ़ी मंजिल है, बस दुआ करें ने अल्लाह खात्मा ईमान दे फरमाए। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ऐसे हैं पीर हजरात कि अगर कोई उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा ना हो तो नाराज हो जाते हैं। मैं इसलिए आपकी खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, अगर मैं आऊं तो मेहरबानी है आप बैठे रहिए, बैठकर अगर मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में रहमत की दुआ करेंगे तो मेरे लिए ये ज्यादा खुशी का सबब होगा। हमारे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी किसी को अपने इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं होना देते थे। बीमार थे, बेड पर लेटे हुए थे, और हम भाई वो बेड पर, बेड के साइड पर जमीन पर बैठे हुए थे, और मैं बिल्कुल सामने था। आपने जाना था वॉशरूम, बीमार थे ना, तो जाहिर है जब तक मैं अपनी जगह न छोड़ता वो वॉशरूम नहीं जा सकते थे, तो मैं अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया। मुझे खड़ा होते देखकर बड़े सख्त नाराज हुए, फरमाया तुम मेरे लिए क्यों खड़े हुए हो। मैं उनके आगे बोलता नहीं था। हमारे बड़े भाई है ना हजरत मौलाना मोहम्मद अफजल साहिब शाहिद, उन्होंने अर्ज किया हुजूर अगर सईद साहब खड़े ना होते तो आपके लिए तो रास्ता ही नहीं था, ये आपको रास्ता देने के लिए खड़े, तब आपका जलाल खत्म हुआ। फरमाया फिर ठीक है, यानी सानू अपने अदब वास्ते बेटियां का भी खड़ा होना पसंद नहीं। तो बेटो दीन वही है
जो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमें दे कर गए। मैं आज फिर आपसे इल्तिजा करता हूं, जब मैं आऊं तो आप अपनी जगह पर ही तशरीफ रखा करें, खड़े न हुआ करें, क्योंकि खुद साहबा फरमाते हैं हमारे दिलों में सरकार से बढ़कर किसी की मोहब्बत, किसी की ताजीम नहीं थी। सबसे ज्यादा अगर हम किसी का अदब करते थे तो वो कौन थे? नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते तो हम बैठे रहा करते। क्यों? इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यही तरबियत फरमाई थी कि तुमने मेरे आने पर खड़ा नहीं होना। तो फिर जो सरकार की इन बातों को सामने रखता है और वो जन्नत जाने का इरादा भी करता है तो उसको फिर इन्हीं बातों पर अमल करना चाहिए। अगर कोई खड़ा हो जाता है तो उस पर तो गुनाह शायद इतना नहीं होगा, लेकिन जो मौलवी, जो पीर ये चाहे कि मैं आऊं और लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं, उस मौलवी को अपनी फिक्र करनी चाहिए, उस पीर को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमने तो यही देखा, पीर साहब जा रहे हैं तो इर्द गिर्द हल्का बना हुआ है, कलिमा शरीफ का गिर्द किया जा रहा है, अल्लाहु अल्लाहु ये विर्द हो रहा है। क्यों? ताकि लोगों पर रोब पड़े कि कोई बड़ी शान वाला आ रहा है। बेटो, खुद शान बनाने से शान नहीं मिलती, शान मिलती है तो अल्लाह के देने से। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमा लीजिए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाक